नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। 49,600 के ऊपर जा चुका है गोल्ड और 570 रुपए की तेजी इस पर गोल्ड में दिख रही है और चांदी का भाव करीब करीब 1,150 रुपए बढ़ चुका है। हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। बड़ी तेजी है गोल्ड में और सिल्वर में, इस तेजी पर एग्जैक्टली अभी करना क्या चाहिए? नमस्कार मिथुन जी, डेफिनेटली अगर हम देखें पिछले हफ्ते शुक्रवार के सेशन में गिरावट लग रहा था, मार्केट गिरावट दिखाया, बट एकाएक जो शाम के सेशन में हमने देखा कि यूक्रेन को लेकर जो कंसर्न्स हुआ है उसी के चलते हमने ये ट्रिगर बाइंग का आते हुए दिखा है। टाइमिंग मुझे लगता है ये तेजी का रुख रहेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 50,000 का भी लेवल छू सकता है, तो इवनिंग सेशन के लिए करंट मार्केट से या 500 तक का भी ड्रॉप मिले तो लेके चलिए, 49,850 से 50,000 का टारगेट रहेगा। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहेगा, मार्केट में तेजी का रुख रहेगा वॉलेटिलिटी के साथ। चांदी में क्या करें? चांदी में भी यही रुख कंटिन्यू रहेगा, 65,000 तक का ओवरऑल टारगेट लगता है, जो इंटरनेशनल में 24-20 सेंट तक का लेवल है, तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी और सोने दोनों में बने रहेंगे। अच्छा, आज के लिए कॉपर और क्रूड, ये दो काउंटर आपको कैसे लग रहे हैं अजय जी? इन्फ्लेशन के नंबर जो शुक्रवार को आए थे जिसके चलते कॉपर में हमने गिरावट देखी थी, बट अब कहीं ना कहीं ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। 764 पे बाय करके चलिए, 756 का स्टॉप लॉस और टारगेट 770 का रहेगा। वहीं क्रूड की अगर हम बात करें तो जब जब ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन रहता है क्रूड को कहीं ना कहीं अपर हैंड ही मिलता है, तो आई थिंक 69-80 पे लेके चलिए, ऊपर में वापस 7100-7150 का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्री मार्केट की बात करते हैं। आज तो एग्री में भी ठीक ठाक एक्शन हम देख पा रहे हैं। कॉटन सीड ऑयल के, कपास खली और ग्वारगम का मार्केट आपको कैसा लगता है आज के लिए? कॉटन सीड ऑयल के अंदर पिछले 3-4 सेशन से हमने अच्छा खासा एक पुलबैक तेजी आती हुई देखी है, तो आई थिंक आज 3260 का जो लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे बाइंग करके चलिए। कल तक हमें लगता है कि ये 3320 का लेवल तोड़कर 3360 तक का लेवल दिखा दे। वहीं ग्वार सीड, ग्वार का हम एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि 12,000 के ऊपर वापस टेक्निकल ट्रिगर पॉजिटिव हो जाते हैं, बट 12,500 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो बिल्कुल आज लेके चलिए, कल निकल जाइए, तो 12,100 पे लीजिए, 11,900 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, 12,350 से 12,450 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ओके, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो अभी आपने कहा कि कॉपर में आप बाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉपर के अलावा एल्युमिनियम और निकल, यहाँ पर क्या किया जाए? मैंने सारी बेस मेटल की अगर हम बात करें तो एक तरफ इन्वेंट्री मल्टी ईयर लो पे है और वहीं डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। नो डाउट हमने इन्फ्लेशन डेटा और जियोपॉलिटिकल की वजह से थोड़ा पुलबैक देखा है, पर निकल में देखिए कि बार बार में प्राइसेस अच्छा ट्रिगर दे रहा है, तो आई थिंक 1800 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 1840 का लेवल दिखा देगा। वहीं एल्यूमिनियम भी हमें लगता है कि 251 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड रहता है, तो 260 से 264 तक के भी लेवल दिखा देगा, तो आई थिंक एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, कॉपर सभी में तेजी का रुख है। लेड एज ऑफ नाउ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बाकी बेस मेटल में तेजी रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी ओवरऑल मेटल पे। लेकिन अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर ये है कि क्रूड पाम तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटी है और जो टोटल इफेक्टिव ड्यूटी है वो 5.5% हो गई है, पहले ये 8.25% के आसपास थी, और साथ ही जो इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई थी उसकी समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। 31 मार्च 2022 को ये समय सीमा ड्यूटी में कटौती की खत्म हो रही थी, और ये इसलिए किया गया है ताकि तेल की कीमतें कम हो, उसको लेकर के ये प्रयास किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए SEA के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर, एक तो ये कि जो CPO पर ड्यूटी कम की गई है और दूसरा जो ये ड्यूटी कटौती की समय सीमा सितंबर तक बढ़ाई गई है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है, किस तरह के कदम है ये? नहीं, डेफिनेटली देखिए, इंडस्ट्री काफी दिन से ये डिमांड कर रही थी कि जो डिफरेंस पामोलीन और CPO के बीच में 5% हो गया था, पहले ये 10-11% हुआ करता था, कि इसको वापस आप रिवर्ट करिए, अदरवाइज यहाँ की पाम रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बेहद तकलीफ होगी, और वो होने भी लग गया था क्योंकि पामोलीन का जो कि रिफाइंड प्रोडक्ट है उसका इंपोर्ट कहीं ज्यादा बढ़ने लग गया था। गवर्नमेंट ने शायद हम लोगों की सुनी है और जितना पहले डिफरेंस था उतना तो नहीं, पर एटलीस्ट 8.25% का भी डिफरेंस तो हो गया है। इससे मैं समझता हूँ, मैं तो इसको एज अ वर्क इन प्रोसेस ही गिनता हूँ, और मैं समझता हूँ आगे भी इसको थोड़ा और मतलब डिफरेंस को घटाना पड़ेगा। अच्छा, अगर अपनी पाम की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे ठीक है सर्वाइव करना है तो, बट इससे थोड़ी सी जान तो आ जाएगी। अच्छा,
चलिए जान तो आप कह रहे हैं सर कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री में थोड़ी जान तो आ जाएगी, तो आपकी इंडस्ट्री के लिए तो ठीक हो गया सर, हमारे लिए कैसे ठीक होगा? दाम कम होंगे क्या तेल के अभी कंज्यूमर के लिए? आप तो ये मनाइए कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई न छिड़े, तो अगर वो लड़ाई छिड़ गई तो ये हो सकता है कि ये तेलों के दाम हम लोगों को कहीं और ऊपर भी ना देखने पड़ जाएं। अच्छा, अभी तो जियो पोलिटिकल रिस्क जो है ना वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जब तक कि वो शांति नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा तेलों में नरमी आए। एक ही फीचर है कि हिंदुस्तान के मस्टर्ड की क्रॉप अभी तक बहुत अच्छी है, यही थोड़ी बहुत बाजारों को अगर थोड़ा अंकुश लगा सकती है तो यही लगा पाएगी थोड़ी। अच्छा, तो अभी तक का सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हुई है, ये यूक्रेन और रशिया की जो तनातनी चल रही है तो अभी तक तो सिचुएशन ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात सर और, आपने कहा कि रूस यूक्रेन का तनाव अगर बढ़ता है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, इसको अगर थोड़ा और समझा पाया है आप, क्योंकि हमारे दर्शक इस वक्त ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आज आप देखें कि पूरे कमोडिटी मार्केट में खास करके बुलियन में, एनर्जी में, मेटल में बहुत तेजी है और रूस यूक्रेन की वजह से ही, किस तरह से अगर ये तनाव बढ़ता है तो, चूंकि हम इंडोनेशिया मलेशिया से इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं, तो कैसे सप्लाई चेन हमारा डिस्टर्ब होगा सर, अगर ये थोड़ा और डिटेल में आप समझा दें तो। देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान सनफ्लावर ऑयल रफली 2 से 2.5 मिलियन टन या 20 से 25 लाख टन कंज्यूम करता है और ये ज्यादा करके आ रहा है यूक्रेन से और थोड़ा बहुत रशिया से। ओके, तो अगर उस ब्लैक सी एरिया में कोई तकलीफ हुई और शिपिंग में तकलीफें हुई तो सनफ्लावर तेल भागेगा और इतना ज्यादा तेल सोया नहीं रिप्लेस कर पाएगा सनफ्लावर को। तो मैं अच्छा। समझता हूँ कि इतनी बड़ी क्वांटिटी है और डिस्टरबेंस नहीं हो तो अच्छा है। ठीक बात है, ठीक बात है, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए, बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट आगे रूस और यूक्रेन तनाव का एडेबल ऑयल के मार्केट पर होगा और जो ड्यूटी कट हुई है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त में होगा। बहुत शुक्रिया आपका, और अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।